नाम देशराज है, मैं गांव प्रमंडल का रहने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस वक्त मेन जो प्रॉब्लम है लोगों की वो पानी की है। तो पानी जो है आज 15 दिन हो गए हैं जहाँ जो हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जहाँ मोटर सड़ी हुई है प्रमंडल की, मैं प्रमंडल की बात बताता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो जहाँ मोटर जो सड़ी हुई है वो डिपार्टमेंट ने लाई, उसी दिन वो ख़राब होगी। उसके बाद उन्होंने ना वो इधर लगाई है, लोग जो हम बिना पानी के जहाँ पर रह रहे हैं और पानी के वजह से वो इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। और जहाँ मेन बस स्टैंड जो है, जहाँ टूरिस्ट जो आता है उसके लिए एक बाथरूम बना हुआ है, वो भी बिना पानी के ऐसे पड़ा हुआ है। जो कोई भी बाथरूम में जाएगा तो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद यह था जो हमारा सराउंडिंग इलाका है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, पहाड़ों से लोग जो है आते हैं 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, तो उधर भी पानी की कोई सुविधा नहीं है। ना जो भी PHC डिपार्टमेंट जो है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनका वहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग जो है वो खुद अपने पैसों से पानी जो है, पानी के टैंकर जो है वो जहाँ से खरीद रहे हैं और फिर अपने पैसों से ही वो अपने घर पर पहुँचा रहे हैं, अपने टैंकों में वो डलवा रहे हैं। तो पानी का ये मसला जो है वो हमारा बहुत है। अगर इस पर सरकार ने कोई जो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इसने कोई ध्यान नहीं दिया तो लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे और रोड जो है वो ब्लॉक कर देंगे, फिर सरकार जो है उसका दो जो है वो लोगों को डाल दे। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रशोधन शर्मा जी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सर, आज 15 दिन हो गए हैं हमारे इधर प्रमंडल में पानी आए हुए हैं। एक बार पंप आया है जो डिपार्टमेंट ने इधर लगवाया है और उसी टाइम वो सड़ गया है, दोबारा उसको वापस ले गए हैं और परसों इधर अमावस्या है। मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि अगर हमने चावल के लिए पानी भी लेना, वो पानी नहीं है इधर। और ये छोटी गाजी है, तीर्थ स्थान माना जाता है, लोग भी इधर आकर गाली निकालते हैं कि प्रमंडल कैसा तीर्थ स्थान है ये। और पानी की इतनी समस्या है कि हद से भी सारे बाथरूम ने मतलब इतने गंदे हैं कि हद से भी ज़्यादा। जब लोग आते हैं बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम जाने के बजाय वापस आ जाते हैं, इतनी गंदगी है वहाँ पे। और लोग प्रमंडल वालों को गाली निकालते हैं कि ये कैसा तीर्थ स्थान है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने इसकी सूझ लेनी चाहिए कि जैसे ये छोटी गाजी है, अमावस्या आ रही है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि हद से भी ज़्यादा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। Thank you.